देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़ आपके साथ, मैं हूं सुष्मिता गौर। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। खबर आ रही है बहराइच जिला के प्यारपुर से, मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर बहू के हत्या का आरोप। खबर है प्यारपुर तहसील के पिपरा पदारत ग्राम सभा की, जहां पर ससुराल वालों ने मिलकर बहू का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम रीता देवी, पत्नी तुलसी राम है। जानकारी मिलने पर मायके वाले पहुंचकर मृतक रीता देवी को देखकर रोने लगे। मृतक के भाई का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन आपसी मामले को समझकर मायके वाले कुछ नहीं बोलते थे। मृतक के ससुर व जेठानी व अन्य परिवार जन मिलकर उनसे मौत के घाट उतार ही दिया। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से मृतक के ससुर राम भवन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। मृतक का पति बाहर कमाने के लिए चला जाता था और ससुर व अन्य मृतक को प्रताड़ित किया करते थे। सूचना पाकर थाना प्यारपुर के थाना प्रभारी ब्रजानंद सिंह व मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और मौके की जानकारी ली। थाना प्रभारी के ने ग्राम प्रधान घनश्याम तिवारी को बुलवा कर सारी जानकारी ली। ससुराल वाले मौके से फरार हैं। थाना प्रभारी ब्रजानंद सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।